हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग सभी को। राम राम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा एडीयू के बारे में। तो कल की डेट में आपका एग्जाम हुआ है एचपीएससी के द्वारा, एंड ए काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं अजीब और गरीब यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, लाइक प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है हरियाणा एडीयू से। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू से प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं एंड इस क्राइटेरिया को जो 50% का क्राइटेरिया है इसको ब्रेक करना चाहते हैं, एंड जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आए हैं 50% से ऊपर हैं, सो डेफिनेटली उनका इंटरव्यू कॉल होगा, क्योंकि अभी 10% कैंडिडेट भी ऐसे नहीं जिनके 50% मार्क्स हो, बट देर इज नो श्योरिटी कि आपकी जॉब है, क्योंकि आप देख सकते हैं हरियाणा में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो कि क्लास 1 का ऑफिसर है, एंड इसकी जो वैकेंसी है 2018 में चार पोस्ट थी यहाँ पे, एंड स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था उसके बाद इंटरव्यू फेस किया, पोस्ट थी चार यहाँ पे एंड 12 कैंडिडेट ने यहाँ पे इंटरव्यू फेस किया था, बट फाइनली क्या लिख के आया कि नो कैंडिडेट हैज बीन फाउंड सुटेबल। एंड ये सेम चीज हरियाणा एडीयू में भी हो सकती है, जिस दिन ये क्राइटेरिया आया था उसी दिन आप लोगों को बता दिया कि पोस्ट खाली जा सकते हैं, बट वहाँ पे स्टूडेंट ने ऐसा लिखा था कि अगर इतने भी आप नहीं लेके आ पा रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं, बट इनको अगर सिलेक्ट करना होता तो ये एग्जाम ईजी भी आ सकता था। रिजेक्शन और एलिमिनेशन काइंड का एग्जाम हम बोल सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट को एलिमिनेट किया जाए। एंड बात करूँ तो यहाँ पे 300 से 400 स्टूडेंट ही ऐसे मिलेंगे जिनके अच्छे मार्क्स है 50% से ऊपर, अदरवाइज स्टूडेंट 35-45 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी स्टूडेंट को आते थे। एंड अगर आप इस क्राइटेरिया को ब्रेक करना चाहते हैं सो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है एंड उनके साथ ये सेम इश्यू है, तो आप लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑफलाइन एक हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। पोलाइटली आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है, एंड आपकी जो मेन इश्यू है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट 50% नहीं लेके आ पा रहे, एंड पोस्ट यहाँ पे वैकेंट भी जा सकती है, क्योंकि एक बार अगर रिजल्ट आ गया उसमें कुछ भी चेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो उससे पहले आपकी पॉलिसी चेंज हो सकती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट अचीव के उन्होंने मेरे पास कॉन्टेक्ट किया कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो प्रोटेस्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, दो चीजें कर सकते हैं। सॉरी थोड़ी यहाँ पे इश्यू है, सो आप लोग या तो अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात उनके सामने आप रख सकते हैं कि ये बात है मेन, या फिर अपनी कॉलेज या फिर एचयू में बात करूँ सो वहाँ पे अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, बट जो मेन सॉल्यूशन है दैट इज एचपीएससी। वहाँ पर मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट अगर जाते हैं किसी फिक्स डेट करके सो वहाँ पे आपका रिजल्ट निकल सकता है, 50% का क्राइटेरिया कम कर दिया जाए या फिर हटा भी सकते हैं, एंड अगर ऐसा हम करते हैं तो जो टॉप के 1200 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे निकल के आएंगे, उनका इंटरव्यू होगा, एंड फाइनली कुछ पोस्ट खाली जाए नो इश्यू, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे खाली जाएंगे तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अगले 10 साल भी हो सकते हैं। अभी 10 साल बाद पोस्ट आई है तो दोनों गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चेंज हो जाएगी, सो अगर आपका एक सपना हरियाणा एडीयू बनने का यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। एंड इसके अलावा आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी कल की या परसों की डेट, उसमें आप लोगों को एप्लीकेशन जो कैसे लिखनी है वो फॉर्मेट में तैयार करूंगा, क्योंकि हमारा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोग कि आपको तैयारी करवा दी, क्वेश्चंस सभी ने पढ़ाए, 35-40 क्वेश्चन सभी में से आए, हमने जो फूड का जो डाटा दिया था उससे डायरेक्ट 3 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो जो थी उससे आ गए थे, तो ऐसा नहीं है कि सभी ने जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आए, बट आए कितने 30 से 35, उससे ज्यादा, या फिर ये तो कॉमन बुक्स में भी थे, जो एक वेरिएशन हम बोल सकते हैं, लाइक पंजाब एडीयू का एग्जाम था, हिमाचल एडीयू का भी एग्जाम हुआ था, उत्तराखंड में भी, सो वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते तो हम बोल सकते हैं कि एडीयू का एग्जाम था, या फिर जितने सब्जेक्ट दिए गए थे सिलेबस में सभी से 4 से 5 क्वेश्चन आते तो भी ऐसे कोई इश्यू नहीं था, आप सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आप ट्रिकी भी पूछ सकते हैं, बट आपने एक सिलेबस को ही टारगेट कर लिया कि प्लांट ब्रीडिंग हमको देनी, जेनेटिक्स हमको देनी है, जिसका एडीयू के काम से कोई भी रिलेशन नहीं। फाइनली मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी इन दो चीजों को छोड़ के हरियाणा एडीयू का कोई भी काम नहीं है, बट यहाँ पे जेनेटिक्स में पीएचडी करवानी थी दोनों, एंड जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आए हैं सो उनको इस बात को ध्यान रखना कि नो कैंडिडेट हैज बीन फाउंड सुटेबल, आपके साथ ये हो सकता है, एंड बाकी जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं एक्चुअली मैं जिनको जानता हूँ एचयू में भी हैं, आईआरआई के स्टूडेंट भी हैं एंड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, बट इस क्राइटेरिया की वजह से वो लोग दुखी, एंड उनकी कोई भी गलती इसमें नहीं है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा तो उसके लिए एचएससी इतना कोई इश्यू नहीं है, बट जिस स्टूडेंट ने पिछले 1 साल से पढ़ाई की थी सो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रिग्रेट जिंदगी भर के लिए रहेगा कि बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे आई थी एंड मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया,
एंड खुद को कोसेगा, लेकिन खुद की कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है, कंप्लीटली हम बोल सकते हैं बोर्ड की एंड हरियाणा गवर्नमेंट की यहाँ पे गलती, कोई भी प्रोविजन नहीं है यहाँ पे हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सभी स्टूडेंट इक्वल है, चलो वो बात अलग है, बट एटलीस्ट जो 600 पोस्ट हैं एटलीस्ट उनको कंप्लीट कीजिए एक अच्छे तरीके से एंड लोगों को रोजगार दो। ऑलरेडी हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 35% के आसपास, जो कि देश में सबसे ज्यादा है, बट अभी जो गवर्नमेंट कर रही है दैट इज टोटली रॉन्ग वी कैन से। सो आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं एंड इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम का लिंक है उससे ज्वाइन होकर आप इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि आपको क्या क्या करना है, अभी थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू था तो बाकी विल डिस्कस। तो प्रोटेस्ट अगर आप चाहते हैं सो आप अपने लेवल में बात करें, बट जो जेन्युइन हम बोल सकते हैं एक तरीका तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एंड इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर शामिल होते हैं HBSC के पास जाके पोलाइटली, कोई भी वहां पे दंगा वगैरह आपको नहीं करना, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उससे आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आंसर की के बारे में आपको कल की वीडियो अपडेट कर देंगे, बाकी विद इन अ वीक आपको बोर्ड या आपको आंसर की दे देगा जिसमें वेरिएशन मिलेगा एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का। तो अभी यूट्यूब पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है, मैं भी एक आंसर की बना के दे सकता हूँ, बट एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन का अभी वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं आपके ज्यादा, फिर आपके क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है, तो इस पे अगर आप उल्टे सीधे कमेंट करते हैं सो उसके बाद कमेंट यहाँ पे बंद कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम लोग आपको फर्स्ट डे से, लास्ट टाइम जब ये पोस्ट आई थी तभी से आप लोगों के साथ हैं एंड साथ एट द एंड तक रहेंगे जब तक ये पोस्ट कंप्लीट नहीं होती। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।